कैसे हैं आप दोस्तों? आपके साथ एक नए ट्रेलर के साथ आए हैं। आपको बता दीजिए, जिस ट्रेलर पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो भोजपुरी मूवी का है और मूवी का नाम है माँ तुझे सलाम। सो दोस्तों, ये जो मूवी है एक पेट्रियाटिक मूवी है, देशभक्ति से भरपूर मूवी है, लेकिन ये भोजपुरी में बनी हुई मूवी है दोस्तों। सो हम जो है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। इसके जो लीडिंग एक्टर हैं वो पवन सिंह हैं, अक्षरा सिंह हैं और मधु शर्मा जी हैं। सो इसके अलावा मूवी के बारे में मुझे ज़्यादातर नहीं पता है। मुझे केवल ये पता है कि एक देशभक्ति से रिलेटेड मूवी है और देशभक्ति का जज्बा इसमें दिखाया गया है और दुश्मनों से लड़कर देश के जो शहीद है उनका बदला लिया गया है इस मूवी में। सो इसके अलावा मुझे नहीं पता। सो हम इसका ट्रेलर देखेंगे, उसके बाद रिएक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो एक्टिंग और जो एक्शन सीन है काफ़ी अच्छी बन गई है भोजपुरी मूवी में, जो कि बहुत अच्छा है। भोजपुरी का मूवी सॉन्ग ऐसा है ना दोस्तों कि आपको ना चाहते हुए डांस करने में मजबूर लगेगा। आफ्ताब खान की नजर में वजीर और फकीर में कोई फर्क नहीं। आफ्ताब खान देखता है तो सिर्फ सही और गलत। मजहब और दीन के लिए जो अपनी जान गंवाता है वो सीधे जन्नत में जाता है। तेरी तेरी होली हां तेरी ब्यूटी फुल बाड़ू बाड़ी बाड़ू तू बाड़ू बाड़ी गुल ओकावा के लाली तोर चटक रसीला देखी के मन हो। भोजपुरी में काफी सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड से ज्यादा सुनते हैं। और काफी ये सॉन्ग्स के लिए इंडियन मूवीज में काफी मानी जाती है। छोड़ दो तू ही है बंदगी
बजरंग मोहम्मद अली माँ तुझे सलाम। दोस्तों मुझे जैसा लग रहा है ट्रेलर देखने के बाद, ये जो है जो बजरंग जी हैं वो इंडिया में रहते हैं, और आपको पता है इंडिया पे काफ़ी अटैक हो चुका है टेररिस्टों द्वारा, और आपको पता ही है वो कौन सी कंट्री से आते हैं। सो वो जो पवन सिंह जो रोल कर रहे हैं वो एक ऐसे ही स्पाई का रोल कर रहे हैं, और वो उनकी कंट्री में जाकर जो ये टेररिस्ट ग्रुप चलाते हैं उनको उनकी कंट्री से अगवा करते हैं और उनसे बदला लेते हैं। मुझे लगता है इसी पर बेस्ड मूवी है। मूवी में काफ़ी गाने हैं, काफ़ी इंटरटेनमेंट है दोस्तों, काफ़ी एक्शन सीन है, इमोशंस हैं, और देशभक्ति से रिलेटेड ये पूरी मूवी बनी है दोस्तों। एक अच्छा पैकेज है, और मुझे लगता है कि जो हमारी जो भोजपुरी मूवीज़ हैं, भोजपुरी सिनेमा, वो काफ़ी डेवलप कर रहा है। मुझे लगता है अभी भी काफ़ी चांसेस है डेवलप करने के, और मुझे लगता है ये एक बोलते हैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे जो मूवीज़ है सिनेमा भोजपुरी की, उनमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही हमारा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो डेवलप करता रहे और हमारा जो देश है इसी तरह आगे बढ़ता रहे। सो दोस्तों ये था मेरा रिएक्शन वीडियो को लेकर, कैसा लगा प्लीज़ बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।